नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार और आप लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में साथियों आपका बहुत 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 स्वागत है साथियों। और दोस्तों 2023 CSI UGC नेट का जो पेपर होने वाला है साथियों जून के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम लोग उसी टारगेट बेस के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश यह है कि साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और उस सारे पॉइंट्स को साथियों एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पहले टैकल किया जाए। साथियों मैं आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे हो प्लीज प्लीज करके इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त तो ये बोल रहे थे कि सर अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स इस रिजल्ट को इतने अच्छे तरीके से हम रिजल्ट अप्लाई कर पाते इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ तो साथियों आज हमारा रिजल्ट कुछ और होता है। साथियों ये चीज आप बाद में मत बोलना, ठीक है ना। तो अभी से ही साथियों जम के मेहनत करें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपके साथ हूं साथियों, और जब तक आपका CSI UGC नेट का पेपर क्लियर नहीं होगा साथियों हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। बस मुझे आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल तरोताजा होकर जबरदस्त साथियों मेहनत करें, ठीक है, मेहनत में कोई और कसर ना छोड़ें और डेफिनेटली साथियों आप लोग रॉक स्टार बनने वाले हो डेफिनेटली साथियों, ठीक है ना। अपने पे विश्वास करना सीखें और उस पे साथियों काम करना सीखें। जब आपकी कमियां साथियों आपके अंदर से निकल के सामने आएगी उस पे आप काम करेंगे मजबूती के साथ, तो साथियों वही चीजें आपको पेपर में आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा और आप उसी को बहुत अच्छे से साथियों पेपर में हैंडल कर पाएंगे। इसलिए जो आपके अंदर वीकनेस है साथियों, जो कमियां हैं, समय रहते हुए एग्जाम से पहले उनको जितना मजबूत बना सके मजबूत बनाएं, ठीक है साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं और आज के सेशन में जो हाईलाइट चीज है साथियों वो है नंबर थ्योरी का लेक्चर नंबर सेकंड साथियों और डे थ्री, जिसमें हम लोग आज साथियों एप्लीकेशंस लर्न करने वाले हैं कि फाइव फंक्शन टाउ फंक्शन का जो हमारे पेपर में किस तरह से ब्यूटीफुली तरीके से एप्लीकेशंस हुआ है। मुझे उम्मीद है साथियों आज का लेक्चर आपको बहुत बहुत ही ज्यादा एक न्यू थॉट, एक न्यू मैथमेटाइजेशन ऑफ द थॉट्स को क्रिएट करने में बहुत हद तक सफल होगा, ठीक है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं एक वर्ड के साथ कि साथियों ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर आपके थॉट प्रोसेस को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे सकता है, आपके मनोभाव को बदल सकता है, आपके क्वेश्चन या जिंदगी के प्रति जो नजरिया है उसको एक सकारात्मक एक पॉजिटिव वे दे सकता है, ठीक है, जो आपके लिए आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए साथियों जब भी कठिनाई आए तो बिल्कुल उसका डट के सामना कीजिए, ठीक है ना। आई हैव समथिंग टू एक्सेल नाउ, है ना, इस तरह करके करके हम लोग करेंगे। तो चलिए साथियों पहले हम लोग अपने बेसिक्स पे काम करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। और साथियों जिन लोगों ने दो लेक्चर को नहीं देखा वो डेफिनेटली साथियों आप लोग जाके देखें, ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो साथियों आज का हम लोग टाइप बाय टाइप करके हम लोग लर्न करते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम चीज को सीख पाएंगे साथियों। साथियों हम लोगों ने पहले लेक्चर में लर्न करा था फाइव फंक्शन के बारे में कि फाइव फंक्शन क्या होता है, जो साथियों मैंने बेसिक्स बता दिया था। आज हम लोग उसी पे यूज करने वाले हैं, एक्सेल करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं साथियों इसके बेस पे। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बता दिया था कि फाइव फंक्शन एक्चुअली क्या देता है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या देता है साथियों? नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो साथियों कुछ चीजें हमेशा याद रखना है आपको, बिल्कुल धमाके की तरह साथियों देखिए इसका काम कितना जबरदस्त तरीके से होगा, इसको देखेंगे और कहां कहां में साथियों इसको हम अप्लाई कर पाएंगे इसको भी आप लोग बाकायदा सीख पाएंगे, ठीक है। तो क्या देता है फाइव साथियों? रिलेटिवली प्राइम नंबर। चलिए टाइप नंबर वन पे लर्न करते साथियों। एक क्वेश्चन था कि बताएं कि 1000 के कोरिस्पोंड कितना रिलेटिवली प्राइम नंबर बनेगा। साथियों ये क्वेश्चन था कि 1000 के कोरिस्पोंड यू हैव टू कलेक्ट ऑल द नंबर विच मेक्स को प्राइम विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर, मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर को आपको निकालना था कि कितने होंगे काउंटिंग नंबर। तो साथियों इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने लर्न करा जो रियली में ही आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल महसूस करवाएगा, ये वाला साथियों। कैन आई राइट 4 into 10 to the power
3 minus 1 becomes 2. So 4 into 100, that is 400. So we have exactly 400 relatively prime number corresponding to this number. ये सभी questions आपका CSR UGC net में आ रखा है. तो मैं आपको चाहता हूं कि पहले फंक्शन सीखें, उसको अप्लाई करना सीखें. सेकंड क्वेश्चन साथियों ये आया था, क्या बताइए. सेकंड क्वेश्चन था साथियों आपको कि 36 के रेस्पेक्टली कितने हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर बनेंगे. तो कैसे यूज करना है, 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, 2 जा 4 एंड 9 4 जा 36. साथियों इसको हम लोग कैसे सेपरेट आउट करेंगे पहले इस चीज को सीखते हैं. This is 4 and this is 9. पहले हमने prime factorization किया, उसके बाद हमने देखा कि is this co-prime? Yes. Why is this co-prime? Because greatest common divisor of 4 and 9 is 1. That's why both are co-prime to each other. अगर साथियों co-prime होता है तो दोनों को हम लोग separate out कर देते हैं, product के रूप में लिख देते हैं. So can I write like this one? Yes. साथियों ये क्या बन जाएगा? Using this formula, can I write like this one? So it becomes साथियों 2 और ये 6. So this. इसी क्वेश्चन को साथियों पेपर में अलग तरीके से आपको पूछा जाएगा. एक साइक्लिक ग्रुप है Z36 का, तो बताए इसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे. तो साथियों ये सभी फाइव फंक्शन का कमाल होने वाला है. ठीक है, मैं आपको बाकायदा ये भी चीजें बता देता हूं कि इसको कहां कहां पे अप्लाई करेंगे. पहले कुछ चीज और क्लियर कर लें साथियों, जो जो क्वेश्चन आया था. और एक और साथियों क्वेश्चन आया था, देखिए और भी हो सकता है, मैं 2-3 क्वेश्चन ही निकाल पाया हूं. साथ ही एक और क्वेश्चन था 512 का वैल्यू, तो ये भी आप निकाल लें. कैन आई राइट 2 पे पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1. 4 और 3 का जीसीडी 1 है साथियों. सो कैन आई सेपरेट आउट एंड कैन राइट लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. सो वी कैन डेफिनेटली डू दिस, है ना साथियों, हम लोग ऐसा डेफिनेटली कर पाएंगे. सो कैन आई राइट लाइक दिस वन. सो ये साथियों 2 इंटू 2 4 वी, है ना. सो वी हैव एग्जैक्टली. तो मुझे उम्मीद है साथियों टाइप नंबर 1 5 के ऑपरेशन को आप समझ पाने में सक्षम हुए होंगे कि 5 फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है. और साथियों बिल्कुल बेसिक्स को भूलना नहीं है, इसको जरूर याद रखना है. 5 फंक्शन 1-1 नहीं होता है, क्या होता है साथियों, मेनी 1 होता है. ये बिल्कुल ही भूलना नहीं है. 1-2 नहीं होता है, क्या होता है साथियों, इनटू होता है. 5 क्या 1-1-1-2 होगा? 1-1-1-2 नहीं. क्या पूछा जाएगा 5 बाइजेक्टिव होता है तो क्या बोलेंगे? कभी नहीं. ठीक है, वन ऑफ देम 1-1 और 1-2 इज स्टिल फेल, देन 5 इज गोइंग टू फेल टू हैव अ बाइजेक्शन. तो जब बाइजेक्शन ही नहीं होगा तो 5 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं. पूछा जाएगा 5 इज इनवर्टिबल, हम लोग सॉरी 5 इज, हाँ साथियों इनवर्टिबल. इनवर्टिबल मतलब क्या? जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इनवर्टिबल का क्या मतलब है? 5 इज नीदर 1-1 नॉर 1-2, है ना. एटलीस्ट वन ऑफ देम इज फेल्ड, दैट मींस 5 इनवर्स इज फेल्ड, इनवर्टिबिलिटी इज फेल्ड साथियों. नाउ कम टू द टाइप नंबर 2. साथियों हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, किसका एप्लीकेशन कहां और किस तरीके से पेपर में किया जाता है. ठीक है, ओके. चलिए साथियों टाइप नंबर 2 हम लोग लर्न करते हैं. देखिए क्वेश्चन इसी को मैं टाइप नंबर 2 बनाता हूं और आप लोग समझ पाएंगे कि टाउ का सॉरी 5 फंक्शन का एप्लीकेशन कहां होता है. यूज क्या है साथियों, एप्लीकेशन क्या है, इसको डेफिनेटली आप लोगों को याद रखना है. साथियों अगर हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, क्या है साथियों ये साइक्लिक ग्रुप, कैसा, फाइनाइट, तो इसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, क्या पूछा जाता है साथियों, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस साइक्लिक ग्रुप. नंबर ऑफ जनरेटर्स ये कैसा दिया जाएगा, बाय द फॉर्मूला 5. सो वी एक्चुअली रीडिंग लाइक दिस वन कि हाउ एंड वेयर 5 फंक्शन इज एप्लीकेबल साथियों. तो ये चीज देखिए एक कितना ब्यूटीफुली तरीके से इसको हम लोग पिरो पा रहे हैं. क्वेश्चन था साथियों आपको पिछले साल 2022 में, CSIR 2022 का था क्वेश्चन, कि Z36 में आपको बताना है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर्स कैसे निकालना था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था साथियों. 536, और अभी जस्ट मैंने 536 का वैल्यू निकाला साथियों, 2 square into 3 square. तो मेरा मकसद है कि आप सीखें, ठीक है ना. सिर्फ ये कि हम रिजल्ट करके सिर्फ ऐसा ना हो कि पेपर में जाने के बाद भूल जाएं, यही भूल जाएं कि इसका एप्लीकेशन कहां करना है, कैसे करना है. ठीक है, अगर आप ये चीज नहीं सीख पाते हैं तो मुझे लगता है मेरा लेक्चर लेने का जो
हमारा एक माइंड सेट है, थॉट प्रोसेस है कि आप लोग एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह साथियों एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीख पाए कि उस चीज को आगे आप अप्लाई करें लाइफ में, और डिफरेंट अगर आप जॉब फील्ड में जाए तो वहां पे अप्लाई करना सीखें, ठीक है ना। आप रिसर्च के फील्ड में जाए तो इस चीज को अप्लाई करें, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, जिस फील्ड में जाना है साथियों बहुत अच्छे से कर पाए। तो मेरा मकसद ये है कि आप बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाए। साथ ही उसका 5 2 पे पावर 2 कीजिएगा, 2 इसका 5 3 पे पावर 2 कीजिएगा तो 6 मिलेगा, तो 12। तो यही आंसर था साथ। तो देख रहे हैं कितना इजी तरीके से निकल रहा है, बसरते कि आपको समझ होना चाहिए कि फाइव का अप्लीकेशन कैसे करेंगे। साथियों अगर यही क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन अगर ये बोल दिया जाता कि 36 से आप बताए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, देखिए ये सारा चीज यूनिट्स मतलब क्या होता है, फॉर ऑल ए नॉन जीरो बिलोंग्स टू द ग्रुप सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। ये जो ए इनवर्स देता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, यूनिट, है ना। तो साथियों एक्चुअली क्या है, ये वाला जब भी कंडीशन आएगा जेड एन के टर्म में तो नंबर ऑफ यूनिट्स भी इसी फॉर्मूले से दिया जाता है 5n, तो 536 दैट इज 12। तो वही है, कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन को साथियों अलग अलग तरीके से फ्रेम कर सकता है, अलग अलग तरीके से आपको पूछ सकता है इसको कैसे अप्लाई करना है। साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो साथी लोग न्यू हैं जिनको बेसिक्स की बिल्कुल ही समझ नहीं है या उसके टच में नहीं है, तो आप लोग साथियों अपना कमेंट करके डेफिनेटली बताना कि साथ कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे चीजें समझ में नहीं आई, इसको आपने कैसे अप्लाई किया। जरूर आप अपने थॉट्स को रखिएगा बिल्कुल बिना शर्माए हुए। अगर साथियों आपको सीखना है तो इस चीज को बिल्कुल हटा के रखिएगा कि हम अगर सर को ये बोलेंगे छोटी सी छोटी बातें तो वो, है ना, नहीं बता पाएंगे। तो इसको हटा के अगर आपको सीखना है तो, ठीक है ना, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। आगे भी हम लोग लर्न करेंगे कि नंबर ऑफ वन वन ग्रुप फॉर्म और फिजम एग्जिस्ट करेगा, जैसे दोस्तों ये अगर हम लोग जब काम करेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ वन वन होमोमॉर्फिज्म जब भी पूछा जाता है, नंबर ऑफ वन वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो दोस्तों हम लोग 5m निकालते हैं, कब, जब m मस्ट डिवाइड n, और दोस्तों नंबर ऑफ वन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा 5n, कब साथियों, जब n मस्ट डिवाइड m। तो दोस्तों यही देखे कितना 5 का अप्लीकेशन ही अप्लीकेशन हो रहा है, समझ रहे हैं। तो मेरा मकसद यह है कि ये चीज ना बहुत अच्छे से सीखें, एक बार साथियों आपका ना पकड़ बन जाए, एक बार जबरदस्त समझ आ जाए, उसके बाद आपको लगेगा कि कितना मजेदार चीज है, ठीक है साथियों। तो मेरा मकसद यह है कि आप सीखें। चलिए साथियों टाइप नंबर 3 हम लोग लर्न करते हैं अब, जो मैंने लिखा है यूनिट डिजिट कैलकुलेटर। वैसे तो आजकल बहुत ही ज्यादा दोस्तों की बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, उस पर डायरेक्ट जाके आप यूनिट डिजिट कैलकुलेटर करेंगे, अपने आ जाएगा सेकंड डिजिट कैलकुलेटर, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, जितना भी निकालना चाहे साथियों इजी से आ जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोगों को पेपर में अलाउ नहीं होता है साथियों, तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है। साथियों यूनिट डिजिट निकालने के लिए एक ऐसा चीज सिखा रहा हूं साथियों आपको, आप ये मत बोलिएगा, आप इसको लर्न करने के बाद आपको साथियों इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चाहे 1 डिजिट का नंबर रहे या 1000 डिजिट का नंबर रहे, आप हमेशा 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 साथियों किसी भी हालत में साथियों, ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, किसी भी हालत में दोस्तों आप यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहता हूं कि आपके पास ये नहीं कि 1 डिजिट का साथियों हमने सीख लिया यूनिट डिजिट निकालना तो दो कल हमको 3 डिजिट का दे दिया, 5 1 लाख डिजिट का दे दिया और वो हमसे नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो साथियों अपने अंदर का ये करेज पैदा करना बहुत जरूरी है, जो भी सीखें बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है, कि वो हमेशा आपको बैकअप करता रहे पेपर में, ठीक है ना, आपके कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दे पेपर में। चलिए साथियों देखिए एक्चुअली क्या है, हमारे पास टोटल डिजिट कितने साथियों 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और जितने भी सारे डिजिट्स बनेंगे साथियों उसके लास्ट में इसी 10 डिजिट्स में से कोई रहना है। चलिए बेसिक को समझते हैं कि साथियों अगर ये क्या मैंने लिखा है 0 to the power n gives, ये यूडी डज मीन्स यूनिट डिजिट है साथियों, यूनिट डिजिट कहता है कि कोई भी नंबर हो, ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर हो साथियों और उसका लास्ट डिजिट 0 हो, उस पर कुछ भी एक्सपोनेंट पर आ रहे 1 2 3 1 लाख 3 लाख कुछ भी रहे, हमेशा इसका साथियों लास्ट डिजिट 0 होगा,
कुछ भी रखने का मतलब है, ये तो मैं बच्चा वाला काम करवा पा रहा हूँ, कुछ भी 2023 रखेगा तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा साथियों, जीरो है ना। सेम कंडीशन साथियों वन के साथ होल्ड करेगा, इधर कितना डिजिट है कोई मतलब नहीं है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, क्या दिया है, लास्ट डिजिट साथियों इसका कुछ भी एक्सपोनेंट रखेंगे वन ही आना है, ठीक है। ये बिल्कुल ही बेसिक्स बातें बोल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी पेपर में हम लोग मूर्खता कर जाते हैं, हम क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, वो क्या हमसे जानना चाहता है साथियों, तो ये अच्छे से आप लोग क्लियर करें साथियों। जैसे ये है क्वेश्चन, लास्ट डिजिट 6 है, कुछ भी रखेंगे तो 6 ही आएगा, और बिल्कुल बेसिक सी बात है 6 का पावर कुछ भी रखेंगे साथियों हमेशा ही 6 to the power 6, 6 to the power 2 36, 6 to the power 3 साथियों 216, हमेशा 6 6 ही रिपीट होते जाता है, 1 वाला केस वैसा ही साथियों, 5 वाला भी केस ऐसा ही, ठीक है। ये देखिए मैंने मिस्टेक से 5 6 लिख दिया है, मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। चलिए अगर आपको साथियों ये अच्छे से समझ में आ गया, अब आप बोलेंगे सर आपने तो 0 का काम कर दिया, 5 का 6 का और एक क्या है साथियों 1 का, जो इजी जी वाला था वो आपने कर दिया, अब डिफिकल्ट वाला बताइए, तो साथियों उसको भी हम लोग सीखते हैं साथियों। अब हमारे पास है 2 4 8 साथियों, जिसको 2 आ जाएगा उसको 4 भी आएगा और 8 भी दौड़ते हुए आएगा। चलिए आराम से सीखते हैं साथियों, 2 पे पावर 1 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, साथियों 2 पे पावर 2 करते हैं तो आपको 4 मिलता है, 2 पे पावर 3 करते हैं तो 8 मिलता है, 2 पे पावर 4 करते हैं तो 16 मिलता है, और साथियों जो 2 पे पावर 5 करते हैं 32, मतलब लास्ट डिजिट फिर से 2 आ जाता है, मतलब 2 4 8 6 अगेन 2, सो 2 4 6 8 अगेन 2, मतलब क्या हुआ, ये जो 4 डिफरेंट नंबर हुए साथियों, 4 डिफरेंट नंबर, सो 2 पे पावर कुछ भी रखेंगे हमेशा इसी 4 लेंथ के साइकिल पे ये साथियों रिपीट करता रहेगा, क्या करेगा अपने आप को रिपीट करता रहेगा। ये याद रखा जाए, 2 बताने का मकसद मेरा सिर्फ 2 नहीं है, 2 बताने का मकसद है कि कुछ भी नंबर आप ले आए, लास्ट डिजिट अगर 2 है, इस पे पावर आप कुछ भी रख रहे हैं, तो साथियों हम इस पे वर्क कर रहे हैं, ये आपके अंदर साथी ये फीलिंग जानी चाहिए कि सर यू आर नॉट वर्किंग ओनली दैट डिजिट्स 2, यू आर वर्किंग दैट डिजिट विच इज एंड विद 2, कुछ भी कितना भी बड़ा नंबर रहे उसका लास्ट डिजिट साथियों 2 है, हम उस पे काम कर रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ड्रास्टिकली चेंजिंग मोमेंट साथियों कह लें, या आप लोग जो भी स्टेटमेंट कह लें, इस चीज को डेफिनेटली याद रखा जाए कि वी आर नॉट वर्किंग दिस अ सिंबल अ सिंगल डिजिट नंबर, वी आर वर्किंग दिस अ मल्टीपल डिजिट नंबर, इस चीज को मैं आपके अंदर एक वो पैदा करना चाहता हूं कि साथियों आप इस चीज को सीखें। बट मेरा कहने का मतलब है कि बड़े नंबर को टेकल करने की जो साथियों आपके पास कैपेसिटी जनरेट होगा वो ये सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट होगा, सिंगल पावर से ही जनरेट होगा, ये मेरा कहने का मतलब है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 2 पे पावर 1 एग्जैक्टली कहता है कि बड़े डिजिट में भी ये 2 पे पावर अगर 4 and 2 टाइप का रहेगा उसका रिमाइंडर 1 रहेगा। ये सब क्या है दोस्तों, ये वही सारा लिखा गया है पावर जो इसका रिमाइंडर देता है, ये 2 का केस है, ये दोस्तों 2 के मल्टीपल का केस है, ठीक है। ये वाला केस मैंने ये बोला कि बड़े से बड़े डिजिट पे भी साथियों ये इस तरह से वर्क करेगा। सो व्हाट इज द मेन थिंग एंड व्हाई वी आर वर्किंग ऑन सच अ थिंग्स है ना, विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज ऑफ एक्सपोनेंट, तो साथियों हमारा बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आप साथियों इस चीज को समझ पाते हैं कि नहीं, डू यू हैव द राइट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द एक्सपोनेंट ऑन द डिफरेंट एक्सपोनेंट, this is very simple one, anyone can do this and a 2 pe power 1 becomes 2, so this is not a very big task. What is the problem when there is a big question, I am drastically I can write like a 2 pe power 83, so this is going to be very hai na bada number, aaj aap nahi phasenge, kal kuch aur puch dega 2 pe power 2, ye alag alag drama karte rahega, is pe nahi phasenge, kuch aisa de dega aapke paas number, ये दे देगा, इस पे और भी कुछ पावर रख देगा, कुछ भी जो भी करने का मन है बोलेगा बताइए। यू हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, साथियों मैं चाहता हूं कि आप ये सीखें, आप समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द मैथमेटिक्स, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड टू वर्क ऑन सच अ क्वेश्चन।
आप इस चीज को समझ पाते हैं, अगर आप दोस्तों इस लॉजिक को समझ पाते हैं और आप इसको एक्सेल कर पाते हैं और एक भी स्टूडेंट को मैं ये बातें समझा पाने में सक्षम होता हूं, तो दोस्तों रियली में मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि एज ए टीचर एज ए गाइडर दोस्तों मैं आपके अंदर ये विश्वास पैदा कर पाने में सक्षम होता हूं। मतलब साफ है साथियों, अगर आपको एक नंबर आया, इफ यू आर एबल टू वर्क ऑन अ सिंगल डिजिट, यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू वर्क ऑन द मल्टी, यू कैन आई कैन सी लाइक एक्सपोनेंट ऑफ द लैक्स करोड़, आप उस पर मिलियंस ट्रिलियंस पे भी आप वर्क कर सकते हैं। ये आपके पास अंदर फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ये साथियों विश्वास पैदा हो जाए। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इज अ मेन केस साथियों, हमारा मेन कंसर्न है कि आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाने में सक्षम होते हैं कि नहीं। ये क्या लिखा हुआ है साथियों, रिमाइंडर, ठीक है ना, बस आपको ये सर्च करना है। अगर कोई भी नंबर साथियों अगर इस टाइप से हम लोग लिखते हैं और ये सारा रिमाइंडर आता है या 1, 2, 3 या 4, तो साथियों यही रिपीट होना है, या तो 2 आएगा साथियों, 4 आएगा, 8 आएगा, या लास्ट डिजिट 6 आएगा। अगर साथियों जैसे ये वाला केस है, 2 पावर 5, 4 से डिवाइड करेंगे दे तो 2 पावर 1, केस गोइंग टू द फर्स्ट केस एंड रिजल्ट मस्ट बी 2, सो लास्ट डिजिट शुड बी 2, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं करवा के आपको बताना चाहता हूं कि हाउ डज दिस इंपैक्ट अ वेरी वेरी हाईली दोस्तों, कैसे और बहुत बड़े पैमाने पे इंपैक्ट कैसे डालता है, इसको आराम से ठंडे दिमाग से आप सोचें और इसको जहन में उतारने की कोशिश करें कि हाउ डज दिस एक्चुअली रिफ्लेक्ट। मेरा ये कहना है साथियों, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि एम हाउ बिग दिस नंबर, इट डज नॉट मेक अ सेंस एनीवन, कि ये साथियों कितना बड़ा नंबर। और एक चीज और भी बात ख्याल में रहे, एम मस्ट बी नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्क दूसरी दुनिया से उठा के दे देगा कि एम सर हमारे पास रियल नंबर में कुछ दे, तब तो पागल ही बना रहे। वी आर वर्किंग ऑन द काउंटिंग नंबर और नंबरिंग, है ना दोस्तों, नंबर थ्योरी में नंबर की बातें हम लोग करें, ठीक है ना। नंबर मीन्स वो नहीं कि है ना रियल नंबर वाला नहीं, काउंटिंग नंबर की बातें करें साथियों। एम मस्ट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब कितना बड़ा ही नेचुरल नंबर है उससे हमको मतलब नहीं। इसका प्रोसेस क्या होगा साथियों उसको समझते हैं कि एम कुछ कितना भी बड़ा है, पहले तो ये समझ लें। इस एम में क्या करना है साथियों, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। कितना बन रहा है हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको इसमें इंटरेस्ट है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 1, दैट इज 2 पावर 1 बिकम्स 2, सो दिस इज द लास्ट डिजिट। इफ यू आर गेटिंग रिमाइंडर 2, देन दिस बिकम्स 2 पावर 2, दैट इज 4। If you are getting remainder 3, then you are getting 2 power 3, that becomes last digit 8. If you are getting 4, then 2 power 4, that is 16. So last digit is 6. So मैं चाहता हूं आपके अंदर साथियों ये विश्वास पैदा हो, आप इस चीज को समझ पाएं कि चीजों के पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स, उसके पीछे का लॉजिक्स क्या है, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ पाने में सक्षम होंगे। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साथियों, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये रिमाइंडर क्या बचेगा। सारा केस, सारा खेल साथियों, सारा गेम जो है वो रिमाइंडर का है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी साथियों 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में काम करा है उसी का ये बड़े पैमाने पे यूज किया है। चलिए साथियों नाउ, अब जैसे दो साथियों मैंने एक पे काम करा है, पहले तो मैं एक काम करके बताता हूं। देखिए साथियों, सीएसआर नेट का जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, यू हैव टू से व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट, आपको निकालना है साथियों कि लास्ट डिजिट क्या होगा। साथियों हम बोलेंगे मिनटों में उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। क्या करना है साथियों, 81 में 4 से डिवाइड करेंगे। व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय 4, बिकॉज 2 to the power n वर्क्स ऑन 4 डिफरेंट लेंथ ऑफ साइकिल, है ना। 4 एक जो साइकिल बनेगा 4 लेंथ का साथी, उसी पे वो रिपीट करते रहेगा 4 लेंथ के। 2 लास्ट डिजिट हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या तो साथियों क्या है 2 साथियों 2 ये मैंने क्या लिखा है साथियों, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 या 6 हो सकता है, इसी पे हमेशा रिपीट करते रहेगा, ठीक है ना, अपने आप को। इसलिए 4 लेंथ के साइकिल पे वर्क करेगा। एंड हाउ 5 फंक्शन डज इंपैक्ट सच बिग रोल साथियों, एक चीज आप यहां पे देखें कि 5 फंक्शन कितने बड़े पैमाने पे साथियों सब चीज को बिल्कुल श्रिंक करके एक सिंगल छोटा चीज बना देगा, उसको हम लोग लर्न कर रहे थे। उसके बाद अपने आप ये डायरेक्ट साथियों अपने बात बनेगा क्वेश्चन। 2 पावर 81 का लास्ट डिजिट पूछेगा, इसमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। दोस्तों मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डायरेक्ट तो लिखा नहीं जाता है,
ठीक है आप कर लें। आप लोग मुझे बोलेगा सर आपको ये भी नहीं आता है, कमाल की चीज। ठीक है साथियों, तो आप करेंगे तो लास्ट में वन आ जाएगा। सो कैन आई राइट 81 को हम लिख सकते हैं 4 × 20 + 1। सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस। इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे साथियों, और क्यों हम कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक भी समझने की फुल कोशिश कीजिएगा साथियों। 2 to the power 1 दैट इज 2, तो साथियों इसका लास्ट डिजिट ना 2 आएगा और कुछ भी मगजमारी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर बस ये आप लोगों को सर्च करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपके अंदर अगर विश्वास पैदा नहीं हो रहा है साथियों तो 2 to the power 5 ले लीजिए, 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो क्या बना सर। सिंपल सी बात है, 32 का लास्ट डिजिट क्या है, 2। बस डन, कुछ और पूछा जाएगा, ये तो सिंपल गेम चलाता है। एक और क्वेश्चन था तो साथियों 2 to the power 87 क्या करें, इसमें 4 से डिवाइड करें तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा, 4 2 जा 8 4 1 जा तो 3 रह जाएगा। सो व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट। अब देखते हैं साथियों कि गेम कितना बड़ा होने वाला है, कितना हम लोग जल्द इसको निपटा देंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए एक बड़े नंबर को हम लोग एक गेम की तरफ खेलते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इससे कि नहीं। सपोज दिस नंबर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द लास्ट डिजिट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। यही मेरा कहना था कि अगर आपके अंदर ये 2 यूनिट डिजिट पे पावर रख के अगर हम यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी, है ना, लास्ट डिजिट निकालते हैं, तो साथियों आपके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि यहाँ पे मिलियन ट्रिलियन कुछ भी दे दे उस पे भी पावर निकाल पाने में हम सक्षम होंगे, ये आपके पास विश्वास होना चाहिए। क्या करना है, अब जरा शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग यूज करते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स इसको क्यों बोले, इसको बोलेंगे सिंपल सा केस। क्या है केस, चूंकि जब लास्ट डिजिट निकालते हैं सबका कोई रोल ही नहीं है, है ना। सिंपल सी बात कह दें तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए साथियों, इसका 5 10 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 5 10 का वैल्यू जो 4 होता है एक्चुअली हम लोग उसी से डिवाइड करते हैं, तो कितना बड़ा गेम है ये। तो साथियों ये 2 होगा, लास्ट से ही सिर्फ हमको काम करना है, सब कोई मीनिंगलेस बात नहीं। 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में यही रहेगा, इसको साथ में आप डिवाइड करें 4 5 जा फिर 4 5 जा फिर रह जाएगा साथियों। तो लास्ट डिजिट डिजिट कितना देर का है, देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा होगा, पेपर में करते करते मर जाएंगे, आधे घंटे में भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इतने इजी से बन गया और डेफिनेटली साथियों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा कि चीजें इतने बड़े क्वेश्चन को इतना श्रिंक करके बनाया जा सकता है। साथियों ये 2 केस में भी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम याद रखना है आपको, जैसे हमने 2 का केस स्टडी पढ़ा साथियों, सेम टू सेम 7 का केस स्टडी है साथियों, और सेम टू सेम 3 का केस स्टडी। और कमाल की बात है ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम, ठीक है। 9 का पूछा जाएगा, 9 to the power something पूछा जाएगा, इसको पहले आप इस पे श्रिंक कर दीजिए तो 3 के केस में ये लगा देंगे, है ना साथियों ये। और 8 का केस पूछा जाएगा, 2 to the power 3 करके कुछ भी पूछा जाएगा साथियों, इस पे केस हम लोग कर देंगे 2 to the power, ठीक है। तो ये दौड़ते हुए बनेगा, तो यहां जाते आपको सोचना ही नहीं, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से एक एक टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो साथियों टाइप नंबर 3 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप लोग बताना कि सर हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। चलिए कुछ क्वेश्चंस में करके आपको बता देता हूं, आपको निकालना है साथियों लास्ट डिजिट। मैं चाहता हूं साथियों आपके अंदर वो फीलिंग जाए कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल मजे मजे में निकल जाए बिना कुछ सोचे हुए। मान लीजिए साथियों इसके पास ए दे दिया, इतना कुछ दे दिया, 5 दे दिया और पूछा कि व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट। क्या करना है, एक फॉर्मूला आप लिख लें साथियों, n to the power m लिखा रहेगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखना। क्या याद रखना है साथियों, जो बेस है बेस में 10 से डिवाइड करना, और एक्सपोनेंट में साथियों 5 10 5 10 का वैल्यू कितना, 4 से डिवाइड करना, और यहां पे रिमाइंडर देखना है कि क्या है। सारा गेम साथियों इसी का है, सारा गेम उसी का है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको उसको समझने से पहले इसके पीछे का लॉजिक समझ में आए कि हम लोग काम कैसे करते हैं। ऐसा नहीं किसी जने ने पूछ लिया कि हाउ डज दिस वर्क, दिस शॉर्ट ट्रिक्स वर्क, और आप लोग बोले सर तो हमको ऐसे सिखाए थे, है ना, ऐसा नहीं है। आप उसको एक प्रोसेस के थ्रू बता सकते हैं। क्या करेंगे साथियों इसमें, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 10 से डिवाइड करना है इसमें, इसमें 4 से डिवाइड, 5 10 का वैल्यू 4, तो इसका साथियों सिर्फ और सिर्फ ये काम का चीज है। और यहां पर रिमाइंडर देखें,
फोर साथ में फोर थ्री जा फोर वन जा फोर वन जा करेंगे वन वन फोर फोर थ्री जा टू रह जाएगा टू फाइव फोर सिक्स जा तो वन कितना देर का साथियों बताइए 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 साथियों कितने देर का होगा क्वेश्चन आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो मैं चाहता था ये विश्वास आपके अंदर पैदा हो आप समझ पाए कितने बड़े क्वेश्चन को ये सेकेंड में बन रहा है एक सेकेंड नहीं लगने दिया तो ये साथियों आप कर पाए आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो कि पेपर में चाहे जैसा क्वेश्चन दो दे दे साथियों हम लोग इसको नचा सकते हैं ठीक है आपके अंदर ये पैदा हो ये जहन में आए ठीक है साथियों कुछ और भी बड़ा लेके काम करने का मन हुआ वो भी ले सकता है। चलिए दोस्तों टू का हो गया सेवन का एट थ्री का भी देख लीजिए वन जीरो थ्री फाइव सिक्स सेवन नाइन जो भी आपका मन करे कि सर ये दे दीजिए चलिए ये हमने दे दिया वन फोर थ्री नाइन सेवन एट वन जो मन करे वो ले लीजिए ठीक है। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा क्या करना साथियों कुछ नहीं करना है जब भी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट पूछा जाए इसमें टेन से इसमें फोर से डिवाइड करेंगे टेन से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ सबको कट दिया कटते बढ़ते ये बचेगा साथियों थ्री वाला केस यहाँ पे फोर से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे रिमाइंडर सर्च कीजिए फोर थ्री जा तो टू बचा साथ में टू पे थ्री है तो फोर फाइव जा थ्री पे पावर नाइन बचा थ्री टू दी पावर थ्री नाइन बचा फोर नाइन जा थर्टी सिक्स फिर थ्री पे सेवन फोर नाइन जा साथ में वन एटीन फोर फोर जा सिक्सटीन टू वन फोर फाइव जा तो वन रह जाएगा। देखिए कितने देर का क्वेश्चन मतलब सीधा सीधा बोला जा रहा है कि आपको डिवीजन रूल नहीं आता कि आपको फोर से डिवाइड करना नहीं आता बात ये सीधी यहां पे आके अटक गई कि आपको फोर से डिवाइड करना आता है या नहीं आता ठीक है। चलिए साथियों मुझे उम्मीद है कि यहां तक शायद मुझे नहीं लगता आप लोगों को एक भी बातें कहीं से भी समझने में प्रॉब्लम होगा और होगा तो डेफिनेटली आप लोग बताइएगा। तो साथियों यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर देता हूं जो आपको डेफिनेटली बूस्ट करेगा। साथियों यहां पे जो भी नंबर रहेगा उसमें क्या करेंगे और ये साथियों एक्सपोनेंट मैंने लिख दिया क्या करना है आपको बेसिकली यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस नंबर में टेन से कितना बड़ा क्यों ना दिया हो कितने भी डिजिट का कितना हो साथियों एन में टेन से डिवाइड करना और ये एम जो है साथियों एक्सपोनेंट उसमें फाइव टेन यानी फोर से डिवाइड करना है और यहां पर देखना है इसका रिमाइंडर क्या है और सारा गेम चलेगा रिमाइंडर पे जो हमने करवाया साथियों सारा गेम रिमाइंडर पे चलेगा ठीक है। सो टैक नंबर थ्री इज डन नाउ वी आर स्विचिंग टू अनदर वन टैक नंबर दोस्तों हम लोग फोर पे आते हैं टाइप नंबर फोर और साथियों डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा और लगा कहीं ना कहीं आपके जहन में एक विश्वास पैदा करने में मैं सक्षम हुआ कि नहीं आप इस थॉट को समझ पाए कि नहीं कि सर हाँ सर कितना अच्छा आपने इस चीज को एक्सप्लेन करा। अगर आपको लगे कि नहीं सर आपके थॉट प्रोसेस में आपके वर्किंग रूल में रियली में ही दम है तो साथियों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि इस चैनल को एक है ना ये आप कह लें ग्रो करने का या जो भी आज का नजरिया है साथियों यही है इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और मुझे उम्मीद है साथियों आप लोगों का प्यार हमें जरूर मिलेगा कि मैं इस पे अच्छा से काम कर सकूं ठीक है साथियों। तो कुछ और ये केस हो गया अब आते हैं दोस्तों फाई फंक्शन को छोड़ के नाउ वी आर कमिंग टू द टाउ फंक्शन। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा टाउ पे वर्क कर लेते हैं। टाउ फंक्शन मैंने कल बताया आपको कि साथियों टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है और टाउ फंक्शन क्या देता है ये आपने देख लिया था कल है ना सेकेंड लेक्चर में साथियों टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है याद रखा जाए सिर्फ पावर से काम करना है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो मल्टीपल टाइम्स अभी तक पढ़ रखे हैं फिर भी दे आर इन पजल दैट सर क्या करें पावर पे प्लस लगाए या पूरे पे प्लस लगाए कैसे करें दे आर स्टिल इन कंफ्यूजन। सो साथियों जब भी कुछ चीजें आपको बताया जाए तो बिल्कुल आराम से विनम्रता से उसको स्वीकार कर ले और तब तक चीजों उसके साथ छेड़खानी ना करें जब तक आप उस चीज को या वो जो एक बैरियर है उसको तोड़ नहीं पाते ठीक है साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप सब समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं ठीक है साथियों। ये वाला ये क्या है और ये साथियों क्या देता है ना मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि टाउ एंड फंक्शन का यूज कहां पे किया जाता है तो चलिए साथियों इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये टाउ एंड क्या देता है पहला तो देता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइजर्स में क्या डिवाइजर्स क्वेश्चन ये है डिवाइजर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है साथियों। तो चलिए यहां पे बातें करते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर में साथियों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जो भी सीखें बिल्कुल धमाके की तरह सीखें नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स इज गिवन बाय टाउ एन यही बनेगा।
यही पूछा जाएगा साथियों कि नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर्स, तब भी साथियों यही फॉर्मूला चलेगा टाउ एन। एक और मैं बता देता हूं साथियों, अगर इसी को पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर, तो साथियों इस दोनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे साथियों, ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, चूंकि टाउ एन टाउ एन दोनों में है तो टू टाइम्स ऑफ टाउ एन। ये साथियों अगर आप अच्छे से सीखते हैं ना, तो मुझे भी लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया साथियों आप लोगों के लिए रियली बेनिफिशियल होगा और आप उस एक अच्छे नजरिए से समझ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई, ठीक है। अगर किन्हीं जनों को यह भी समझना है कि सर ये हमको बताइए ना कितना प्राइम डिवाइजर होगा, कितना ऑड डिवाइजर होगा, कितने इवन डिवाइजर होंगे, कितने पॉसिबल दोस्तों फ्रैक्शंस पॉसिबल है इसका, ठीक है, या डिवाइजर्स पॉसिबल है, ठीक है, अगर आपकी तमन्ना है उस सबको भी जानने का, तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, अदरवाइज ये सफिशियंट है, ठीक है। साथियों चलिए कुछ भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। वन का डिवाइजर क्या क्या होता है साथियों, वन भी होता है माइनस वन भी होता है, तो वन पॉजिटिव डिवाइजर हो गया और ये नेगेटिव डिवाइजर हो गया। अच्छा डिवाइजर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस पे काम करते हैं, जब भी डिवाइजर की बातें आएगा तो इस पे, है ना, किसपे आएगा साथियों, इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना, किस पे, सेट ऑफ इंटीजर पे हमारा काम किया जाएगा। रेशनल रेशनल मत कीजिएगा, रेशनल रियल की बातें मत कीजिएगा। साथियों टू होगा तो इसके पास कितना ऑप्शन है, इसके पास देखिए कितना ऑप्शन, प्लस माइनस वन भी होगा, प्लस माइनस टू। आप समझते जाएं कि क्या आखिर कहा जा रहा है। थ्री होगा साथियों तो क्या होगा, इसका प्लस माइनस वन भी डिवाइजर, प्लस माइनस थ्री। आप देख रहे हैं साथियों कि प्राइम के केस में एक्चुअली हमारे पास फोर डिवाइजर मिल रहा है। क्या मिल रहा है साथियों, फोर डिवाइजर, जिसमें क्या होता है इसी की बात करें तो साथियों क्या है, प्लस वन और प्लस टू दो पॉजिटिव डिवाइजर, और माइनस वन और माइनस टू दो नेगेटिव डिवाइजर। मतलब जितने साथियों पॉजिटिव डिवाइजर बन रहे हैं उतने ही नेगेटिव डिवाइजर बन रहे हैं ना, दो बोथ आर इन इक्वल अमाउंट। इसलिए दोस्तों मैंने बोला जब सिर्फ डिवाइजर की बातें बोला जाएगा तो उसमें दोनों आएगा, पॉजिटिव भी आएगा साथियों और नेगेटिव भी आएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव बोथ डिवाइजर्स विल, है ना, ऑटोमेटिकली कम इन नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझने में आसानी हुई होगी, कैसे वर्क करते हैं, हाउ इज द प्रोसेस एंड व्हाई एनी रिजल्ट इज ऑटोमेटिकली कम, कैसे आता है, तो उसको भी थोड़ा हम समझते हैं, उसके जनरलाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए साथी ये बात आपको पता लग गया कि हर एक प्राइम नंबर के केस में या तो वन आएगा उसका डिवाइजर, या पी आएगा साथियों पॉजिटिव में, नेगेटिव में माइनस वन आएगा या माइनस। सो एग्जैक्टली किसी भी प्राइम का फोर डिवाइजर होता है, कितना होता है साथियों, फोर डिवाइजर, इसमें दो पॉजिटिव डिवाइजर होता है साथियों और दो नेगेटिव डिवाइजर होते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स साथियों, आपका विश्वास जो होगा मेरे प्रति वही मुझे भी काम करने में मदद करेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो डेफिनेटली साथियों कुछ कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे भी काम करने में सहूलियत हो, मुझे भी लगे कि नहीं, है ना कोई तो मतलब किन्हीं जनों को मेरे लेक्चर से बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। चलिए साथियों ये हो गया, इस तरह दोस्तों प्राइम का केस है, तो प्राइम में कितना एक्चुअली आया हमारे पास, दो डिवाइजर आया। दोस्तों इसी को रूल को ऐसा कर दिया जाता है कि p मतलब सिंगल p टू द पावर वन, इसी में एक ऐड कर दिया तो कितना बना, टू। तो टू मतलब क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, क्या है साथियों, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। इसी को टू को, है ना, ये टाउ वन को, ये साथियों टाउ वन है, है ना, टाउ वन कह रहा हूं मैं, पी है साथियों पी टू द पावर वन, तो हम लोग क्या करेंगे, वन प्लस वन, तब ये बना है टू। तो टाउ क्या देता है एक्चुअली में, पॉजिटिव डिवाइजर देता है, ठीक है। लेकिन चूंकि जितना पॉजिटिव डिवाइजर होता है उतना ही नेगेटिव डिवाइजर होगा, तो जितना, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और भी थोड़ा सा इसको मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूं, पी पी टू दी पावर एन साथियों, अगर डिस्टिंक्ट प्राइम रहे तो आप तोड़ देना पहले साथियों प्राइम फैक्टराइजेशन, और तब इसका नंबर का अगर हम लोग क्या करें साथियों, टाउ फंक्शंस निकालें। एक्चुअली टाउ क्या देता है, एक्चुअली टाउ आपको जब भी बोला जाएगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स बोलिएगा। एक्चुअली क्या है, बोलने में तो हम नेगेटिव डिवाइजर भी बोल सकते हैं, लेकिन ऑथर लोग ने या फिर हमारे जो ट्रेंड्स हैं साथियों, आप ये कह सकते हैं एक जो परंपरा चली आ रही है वो जनरलाइजेशन है कि पॉजिटिव डिवाइजर को ही उन्होंने इंगित किया है। एक्चुअली क्या है,
ये वेल अंडरस्टूड माना जाता है और एक मान लिया गया साथियों कि अगर आपको पॉजिटिव डिवाइजर आता है मतलब यू आर ऑटोमेटिकली हैव द वेरी साउंड नॉलेज ऑफ नेगेटिव डिवाइजर, यू आर ओके विद नंबरिंग ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर एंड नेगेटिव डिवाइजर। लेकिन हम इस बात को समझ पाते कि नहीं, उनके थॉट को समझ पाते कि नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव डिवाइजर की तरफ एक भी बार थिंक करते हैं कि नहीं। ठीक है, अगर इसी को बोला जाता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर ही इतना होता है, नेगेटिव डिवाइजर के ही दुनिया में काम करते साथियों, ठीक है, तो हमारा थॉट्स ऐसा ही बना होता है कि पहले नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर होगा। ये एक क्या है, लिखने का एक तरीका है, बोलने का एक तरीका है ना, किसी चीज को। चलिए साथियों, अगर ये केस आता तो पी टू की पावर वन है तो क्या बनता, वन प्लस वन। सो इस एग्जैक्टली वन प्राइम के कोरिस्पॉन्ड कितना दोस्तों हमारा डिवाइजर बनेगा, टू। डिवाइजर मीन्स पॉजिटिव डिवाइजर, ये मैं कह रहा हूं कुछ ऑथर्स ने ऐसे लिख दिया है डिवाइजर को पॉजिटिव डिवाइजर ले लिया, लेकिन दोस्तों अगर पॉजिटिव, क्योंकि अगर लिखा रहेगा तो यहाँ पे मेंशन क्या रहेगा कि पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव डज मींस दिस, नेगेटिव मतलब ये, और सिर्फ डिवाइजर मतलब टू टाइम्स, और ये दोस्तों ऐसा रहेगा तो इसको आप वन एन प्लस वन, और ये डिस्टिंक्ट रहेगा तो साथियों अलग अलग हम लोग पावर पे चढ़ाएंगे, याद रखा जाए अलग अलग पावर पे चढ़ाएंगे। ठीक है, और दोस्तों कभी आपके पास टाइम मिले तो बैठ के काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हम देखना चाहते हैं कि सर ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया कि नहीं बताया, कि गलत बताया, क्या बताया, करके देखना स्टार्ट कर दीजिए। वन का वन भी पॉजिटिव डिवाइजर होगा, टू का वन और टी पॉजिटिव डिवाइजर, थ्री का वन थ्री, करते रहिएगा वन टू थ्री, वन टू फोर, है ना, टू पे पावर टू, तो टू पे पावर हमने एक ऐड कर दिया तो तीन आ गया, पांच छह का साथ वन टू फोर, वन टू थ्री और सिक्स, करते रहिएगा। इसके लिए ये लगा दीजिएगा इस पे वन, वन प्लस वन, वन प्लस वन, सो टू टू जा फोर, सो दिया फोर, ये करते रहिएगा, चेक कीजिएगा क्या हर एक के लिए वैलिड हो रहा है कि नहीं। एंड मेरी गारंटी है साथियों, मेरी गारंटी कि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है दोस्तों, इसलिए हमेशा 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 साथियों फॉर ऑल नेचुरल नंबर इट ऑलवेज होल्ड्स, क्या करेगा साथियों, हमेशा हमेशा होल्ड करेगा। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप चीजों को ग्रैप करने में सक्षम हुए होंगे साथियों। एक्चुअली अब जो हमारा नाउ डेज कह सकते हैं, मॉडर्न एरा कह सकते हैं, आज के जो दोस्तों क्वेश्चंस पेपर बनते हैं रियली में ही बहुत अच्छे कंटेंट्स डाले जाते हैं। ठीक है, देखिए टाउ फंक्शन पे जो क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली हम लोग जब डेप्थ टच में जाएंगे, अभी तो हम लोग बिल्कुल विनिंग में साथियों, तो साथियों अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए पहले तो एप्लीकेशन समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, मैं कुछ बता देता हूं, जब हम लोग करेंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे तो वहां पे क्लियर होगा। साथियों ये क्या देता है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर तो देगा ही, ठीक है ना, ये क्या देगा साथियों, नंबर ऑफ नेगेटिव डिवाइजर भी देगा, ठीक है, और वो क्या होगा किसी नंबर के कोरिस्पॉन्ड टाउ एन होगा, ये भी क्या होगा साथियों टाउ एन होगा। थर्ड, बोलिएगा सर एक ही चीज को आप 10 बार लिखा रहे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स टू टाइम्स ऑफ टाउ एन, देखते हैं नंबर ऑफ आइडियल्स दोस्तों, हम लोग जब सीआरटी में भी एप्लीकेशन करते हैं इसी का गेम चलता है ना, और पिछले लेक्चर में भी हमने सीआरटी का एप्लीकेशन करा था वहां पे भी साथ में। दोस्तों ये देखें नंबर ऑफ सब ग्रुप्स या साइक्लिक सब ग्रुप कह लें, सब ग्रुप ऑफ टाउ एन, ये ऑलरेडी साइक्लिक है तो साइक्लिक ग्रुप के सारे ग्रुप सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तब भी साथ में हम लोग टाउ एन ही यूज करेंगे। देखिए कितना जगह पे यूज होता है, नंबर ऑफ आइडियल, साथ में आइडियल्स पूछा जाएगा इन जेड एन, तब भी साथ में हमारा टाउ एन ही वर्क करेगा, कितना जगह पे और कितने धमाके तरीके से यूज होता है। नंबर ऑफ सबरिंग साथियों पूछा जाए, नंबर ऑफ सबरिंग इन जेड एन, तब भी टाउ एन, और कुछ रह रहा है, और भी कुछ है तो और आ जाइए साथियों। अगर हमारे पास फील्ड है, देखिए इस बार का भी क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ कोई फील्ड है जिसकी कार्डिनलिटी पी टू दी पावर एन है, तो साथियों नंबर ऑफ सब फील्ड, सब फील्ड कितना होगा टाउ इस पावर का साथ टाउ एन, है ना। और भी कुछ जानने का तमन्ना है कि नंबर ऑफ, साथियों इसी में मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड, तो क्या करना है साथियों टाउ एन माइनस वन, मतलब इटसेल्फ को लेस कर देना है। और जानने का तमन्ना है तो और कीजिए, जेड एन के अंदर साथियों अगर डी डिवाइड करता है एन को, एंड डी इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव के कोरिस्पॉन्ड हम लोग काम करें, पॉजिटिव वर्ड ही बना दिया गया, करेगा तो नेगेटिव भी। सो साथियों नंबर ऑफ एलिमेंट,
ऑफ ऑर्डर डी इफ डी डिवाइड्स, तो दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट 5 ही से आता है। देखते हैं कितना, ये तो मैं 5 पे पहुंच गया, टाउ के बदले साथ में मैं 5 पे पहुंच गया, क्योंकि 5 में हमने पढ़ाया था इसलिए साथ में ये अप्लाई हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है साथ में ये सब जो अप्लीकेशन है आप समझ पाने में सक्षम होंगे कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है और मैं कहां जाना चाहता हूं। ठीक है, तो साथियों आज का ये रह गया, और भी कुछ रहेगा तो साथियों अगले लेक्चर में डेफिनेटली मैं लेके आऊंगा। चलिए 5 क्वेश्चन का सीरीज लेते हैं, और दोस्तों मैं लास्ट में करवा के आपको एक समझ डेवलप करना चाहता हूँ, साथियों ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप लोग टैकल कीजिएगा। चलिए एक ये साथियों 5 क्वेश्चन मैंने लिया। साथियों क्वेश्चन है कि ये मान लीजिए फील्ड है 3 to the power n, ये आ रखा है क्वेश्चन। एक और फील्ड ले लीजिए जो पढ़े बिल्कुल अच्छे से पढ़े कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 2 to the power 10, और एक और साथियों 1024 था या 2048 था, लेकिन 2048 था। और ये पूछा था साथियों कि नंबर ऑफ सब फील्ड, ये क्या है साथियों, फील्ड का है, ये है हमारा फील्ड का ऑर्डर, और ये पूछा था नंबर ऑफ सब फील्ड्स। चलिए एक और मैं यहां पे लिख देता हूं साथियों, नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड, प्रॉपर सब फील्ड। मुझे उम्मीद है अभी तक आप ये बातें समझ पाए होंगे कि एक्चुअली टाउ एन का उपयोग नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर के लिए किया जाता है, और ये सब क्या है एप्लीकेशन, कहां कहां हम लोग करते हैं। तो फील्ड थ्योरी में, चूंकि फील्ड से इसलिए मैं लिंक कर पा रहा हूं क्योंकि प्रीवियस पहला लेक्चर था साथियों फील्ड थ्योरी से मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने का मन था लेकिन नहीं करवा पाया इसी कारण कि आप इस चीज को समझ पाते कि नहीं है। यू हैव द गुड नॉलेज, यू आर कंफर्टेबल टू अप्लाई टाउ एन और फाई एन और नो। तो ये दोस्तों सिर्फ एक मेरा एक जो झिझक था साथियों, आप कह सकते हैं ये था कि ये आप समझ पाते कि नहीं। चले साथियों, ये याद क्या रखना है आपको, व्हाट इज द बेसिक थिंग साथियों, आपको याद रखना है कोई फील्ड है उसका फील्ड का ऑर्डर क्या होगा साथियों, या तो पी होगा या पी टू द पावर एन होगा। किसी फील्ड की कार्डिनेलिटी या तो एग्जैक्टली पी होगा साथियों, इंडिपेंडेंटली पी या पी टू दी पावर एन होगा, और एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2 कह लें या 1 कह लें, जो भी लिखना है ना, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, यही होना है, हमेशा याद रखें। मोर ओवर ये भी याद रखें कि अभी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो इंटीग्रल डोमेन की भी कार्डिनेलिटी साथियों क्या होगा, पी टू दी पावर एन। ठीक है, एक चीज मैं आपके लिए एक चीज छोड़ के जाता हूँ, आपको ये बताना है साथियों कि यूएफडी की कार्डिनेलिटी, ईडी की कार्डिनेलिटी और PID की कार्डिनलिटी क्या होता है, ये आपको बताना है इसकी कार्डिनलिटी क्या है। और साथियों की कोई जने अगर मेरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से अगर उन्होंने एनालाइज किया होगा तो इस सब क्वेश्चन का जो जवाब है 1 मिनट में देखते देखते ऐसे ही मार के हटा देंगे। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ, ये हमारा फील्ड का ऑर्डर है, नंबर ऑफ सब फील्ड पूछा जाए इस फील्ड के ऑर्डर को, तो हम लोग टाउ ये जो पावर है उसका करना है। और ये देखिए साथियों कैन आई राइट 2 to the power 2 into 5 to the power 2 है ना, उसके बाद क्या करना है, पावर जो है साथियों उसमें एक एक ऐड करना है, पावर ये जो एक्सपोनेंट है उसमें साथ ये क्या हो जाएगा 3 into 3। सो ये आंसर था, ये साथियों सीएसआईआर नेट का क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर का है। तो एग्जैक्टली 9 क्या है हमारे पास, सब फील्ड। अगर आपको इस बात पे इंटरेस्ट है साथियों, एक चीज और, नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड जो दिया जाता है साथियों वो टाउ एन माइनस 1 से दिया जाता है, ये फॉर्मूला, और इसमें साथियों टाउ एन एक्सपोनेंट का, किसका, जब साथियों फील्ड का ऑर्डर क्या रहे हमारे पास, पी टू दी पावर एन। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया था साथियों, मुझे उम्मीद है ये जो मैंने टाइप नंबर 1 का जो क्वेश्चन लिया साथियों, ये अगर फील्ड का ऑर्डर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ सब फील्ड और नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड साथियों लोग कैसे निकालेंगे। अगर साथियों आपको ये लगता है कि साथियों सर ये आप तो बता दिए कि नंबर ऑफ सब फील्ड कितना होगा, साथियों नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड होगा टाउ 100 और माइनस 1, इसका वैल्यू आपने देखा साथियों 9 - 1 = 8। अगर आप ये इस बात को समझने में सक्षम है, चलिए पहले तो ये हो गया कि सब फील्ड कौन कौन से होंगे। अगर क्वेश्चन आपका ये है कि सर आप ये बताइए ना, अच्छी बात है कि आपने फील्ड एक लिया और उसके कार्डिनलिटी के कोरस्पोंड ये बता दिया कि नंबर ऑफ सब फील्ड इतने पॉसिबल, कौन कौन से सब फील्ड होंगे। तो साथियों इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे थॉट प्रोसेस और भी डेवलप होंगे। कितना है साथियों हमारे पास, 9 सब फील्ड है, तो हम लोग करते हैं लिस्ट कर लेते हैं कि कल अच्छा क्वेश्चन बनाया कहीं, है ना, तो वो ऐसा ना हो कि हम लोग साथियों जाके वहां पे फंस जाएं।
है ना, वो बोलेगा कि बताइए विच वन इज पॉसिबल सब फील्ड, ऐसा बनाए तो ऐसा ना हो कि साथ में हम लोग फंस जाए। तो दोस्तों इसका जो सब फील्ड आएगा उसका एक ऑर्डर वही सब होगा जो इसका डिवाइजर होगा, इसमें पावर चढ़ा रहेगा। एक्चुअली क्या होता है साथियों कि अगर फील्ड का सपोज पी टू दी पावर एन है तो साथियों सब फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो पी टू दी पावर एम वो सारा होगा जो एम मस्ट डिवाइड है। वो क्या करेगा साथियों, एम इसको हमेशा 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 डिवाइड करेगा, उसी सब का कलेक्शन सब फील्ड होता है। तो देख रहे हैं एक्चुअली क्या है, कुछ नहीं कर रहे, ये इसका डिवाइजर बस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसका डिवाइजर साथियों, ये सब क्या इसका डिवाइजर है। तो साथियों देखिए टू थ्री पे पावर, देखिए थ्री तो लिखना ही है, और ये मैं क्या लिख रहा हूं सब फील्ड की कार्डिनलिटी की, उस सब फील्ड की कार्डिनलिटी क्या क्या पॉसिबल, ये क्या मैं बोल रहा हूं साथियों सब फील्ड की, याद रहे सब फील्ड की कार्डिनलिटी क्या क्या पॉसिबल है ये मैं बता रहा हूं आपको। जो सब फील्ड आएगा वो क्या क्या हो सकता है, और सीधी सीधी आपको बात दिख रहा है फाइनाइट फील्ड है, पी टू दी पावर एन है ना, फाइनाइट फील्ड है, फाइनाइट फील्ड ही फाइनाइट सब फील्ड ही एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों इसका एक एक आप ले लीजिए, देखिए इसमें क्या क्या डिवाइजर होगा, 100 का डिवाइजर क्या क्या होगा साथियों उसको पहले आप लर्न कीजिए, और इसका डिवाइजर ऑफ 100, 100 का पॉजिटिव डिवाइजर क्या है साथियों इसको आप देखें पहले, ये है साथियों 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 and 100। सो वी हैव एग्जैक्टली दिस 9 पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ दिस 100 एंड आर सब फील्ड मस्ट डिवाइड दिस द ऑर्डर ऑफ दिस फील्ड। मोर ओवर इसके जो सब फील्ड के एक्सपोनेंट रहेंगे उसके पावर जो रहेंगे प्राइम टू दी पावर रहेंगे दैट मस्ट डिवाइड दिस 100। तो साथियों एक डिवाइजर ये पॉसिबल है तो 3 to the power 1, दूसरा डिवाइजर 2 तो ये साथियों ये हो गया, 4 पे तो 4 लिख दीजिए, 5 to 5, 10 to 10, 20 to 20, 25 साथियों तो 25, 50 to 50 और 100 to 100। साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अगर कितने जनों को बिल्कुल दिल से ये बातें लगी हो, बिल्कुल एकदम झकझोरा हो कि सर मजा आ गया, हर एक चीजें एक एक चीज दिखना स्टार्ट हो गया कि फील्ड का ऑर्डर क्या रहेगा, तो उसको सब फील्ड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब फील्ड साथियों कैसे देंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड कैसे देंगे, और लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, हम अपने आप उसको अलग अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं। अगर साथियों अगर ये मैं आपको समझा पाने में सक्षम हुआ हूं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा साथियों, रियली में मुझे लगेगा कि आज का क्लास और मैं आपके और अपने थॉट प्रोसेस को आपके जरिए रख पाने में सक्षम हुआ, ठीक है। तो साथियों ये एक्चुअली कितना निकला, ये जो हमारा ये जो साथियों 9 निकला, यही 9 सब फील्ड का ऑर्डर है इसका। तो ये जब भी बोला जाए कि सब फील्ड का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है तो जी दी जाता सब फील्ड। चलिए एक चीज और समझते हैं, ये तो हमारा हो गया टोटल सब फील्ड, टोटल नंबर ऑफ सब फील्ड कंटेनिंग दीज ऑर्डर, सब फील्ड का ऑर्डर हो गया ये 9 हमारा आ गया। कहता है साथियों प्रॉपर सब फील्ड, प्रॉपर सब फील्ड की बातें आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्कार्ड कर देना है, अपने आप फील्ड का ऑर्डर जो अपने आप है इसको हटा दीजिए, ये प्रॉपरली जो सब सब फील्ड है प्रॉपरली सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट उसको रख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आएगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला नहीं आएगा, अदरवाइज सब आएगा, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड आएगा साथियों ये सिर्फ 9 वाला जो ये है इसको हटा दीजिए क्योंकि यही इम्प्रॉपर है, इसको हटा देंगे और ये सब पास हो जाएगा, ठीक है साथियों ये सारा जो है ये सब पास हो जाएगा इसको छोड़ने के बाद। मुझे उम्मीद है साथियों यहां तक डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सब क्वेश्चन तो है ना ऐसे ही पागल वाला है, आप तो आप कहिएगा सब देख के ही मुरा देंगे सबको, और बिल्कुल होना भी चाहिए। इसको देखिए साथियों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट 2 to the power 5, कैन आई राइट 3 to the power 4, कैन आई राइट 2 to the power, दिस इज ऑलरेडी रिटन इन प्राइम टू द पावर एंड यूनिक फैक्टराइजेशन। दोस्तों ये 2 to the power 100 क्या होता है 1024, इसको अगर 2 टाइम्स करेंगे तो वी आर गेटिंग 2048, सो कैन आई राइट 2 to the power 11, है ना। ये हमने ऐसा क्यों लिखा कि प्राइम प्राइम पे पावर है ना, कि फील्ड का ऑर्डर बिल्कुल ऐसा देखिए प्राइम यूनिक प्राइम टू द पावर है, क्या है साथियों यूनिक प्राइम टू द पावर है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम का नहीं, कभी भी हमेशा यूनिक एग्जैक्टली वन ही प्राइम देखे उस पे पावर। तो हम लोग साथियों पहले इसको लिस्ट कर दी, अब इसको टाउ 5 कितना होगा ये देख लीजिए, इसमें साथियों टाउ 4 कितना आएगा, इसमें टाउ 10 कितना आएगा, इसमें साथियों टाउ 11 कितना आएगा।
साथियों ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बिकम्स कितना साथियों, वन प्लस वन, तो हमारे पास टू साथियों। अब बोलिएगा सर अब बताइए इसका क्या क्या हो सकता है टू पे पावर फाइव का सब फील्ड, अगर करने का मन हो गया आपको कि सर हमको करके बताइए। तो साथियों एक जो सब फील्ड आएगा वो आएगा उसका ऑर्डर होगा टू पे पावर वन, और दूसरा सब फील्ड ये अपने आप होगा क्योंकि प्राइम है तो ये दोनों है। ठीक है, इसलिए ये दो बना। चलिए सबको मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा साथियों। फोर को क्या ना राइट टू इंटू टू ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको क्या करें साथियों, इसको टू पे पावर टू लिख लीजिए डायरेक्ट। तो टू पे पावर टू करेंगे सो टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री बन जाएगा। और कौन कौन बनेगा, सिंपल सी बात है, क्या क्या बनेगा साथियों, थ्री पे पावर वन, थ्री पे पावर टू और थ्री पे पावर फोर वाला बनेगा। टाउ टेन को कैसे लिखे साथियों, टू इंटू फाइव, और यूज दिस वन, वन प्लस वन टू इंटू टू बिकम्स फोर। और आपको ये इंटरेस्ट है साथियों क्या क्या होगा, टू पे पावर वन वाला होगा, टू पे पावर फाइव वाला, टू पे पावर साथियों एक और आएगा टू वाला, और टू पे पावर टेन, तो दी जाता फोर सब फील्ड्स है ना। और टाउ इलेवन साथियों इसको तो है ना प्राइम वाले में तो क्या सोचना है, वन प्लस वन इक्वल्स टू, तो क्या आएगा इसका, इसका साथियों टू पे पावर वन वाला रह जाएगा और टू पे पावर इलेवन वाला, बस ये होगी। इसमें करेंगे तो एक एक लेस कर देंगे, टू है तो साथियों टू माइनस वन इक्वल टू वन, ये थ्री आया थ्री माइनस वन इक्वल टू टू, फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री, और टू माइनस वन इक्वल टू। चलिए साथियों मुझे उम्मीद है ये बातें आज का लेक्चर डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये मैं सोचता हूं, ऐसा मेरा सोचना है साथियों। और साथियों आप लोग क्या सोचते हैं आज के लेक्चर के बारे में, आप क्या थिंक करते हैं, आपने इससे कुछ फायदा उठाया? ठीक है, अगर आपको लगता होगा कि आपको टच करा आपके चीजें, ये जो अब जो साथियों जो भी है सब साथियों सीएसआर नेट के लेवल पे है, पीएचडी एंट्रेंस के लेवल पे है, इसलिए साथियों अब बिल्कुल ही उस रिदम में काम किया जाए क्योंकि पेपर के कम टाइम बच रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक चीजों को बहुत जो लेवल पे क्वेश्चंस आता है वहां पे काम किया जाए। साथियों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके उम्मीद पे खरा उतरा हुआ। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो लेक्चर के बारे में डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, और साथियों अपना और अपने पेरेंट्स का डेफिनेटली ख्याल रखें, और दोस्तों जम के मेहनत करें। और अगर दोस्तों आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और अगर आप न्यू विजिट कर रहे हैं तो साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कोशिश करें साथियों कि बेल आइकन को भी हिट कर लें और दबाना ना भूलें कि जब भी दोस्तों आपके पास न्यू वीडियोस अपडेट करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ऐसा ना हो कि पेपर में आपका छूट जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज में अपडेट करूं और वो आप तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वाणी दोस्तों अपने वीडियो लेक्चर को एंड करता हूं। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी इसी तरीके से जानदार शानदार कंटेंट के साथ, जो आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने में मुझे उम्मीद है बहुत बहुत ही ज्यादा सफल होगा। सो साथियों आज के लिए थैंक यू सो मच साथियों फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और जम के मेहनत करते रहें साथियों।